हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खई। थला धोनी चेन्नई सुपर किंग्स क्या पांचवी बार टाइटल लिफ्ट करेगा? ये बड़ा सवाल है और निगाहें जो है ना वो हमारी इस टीम पे जरूर है। लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले चोट की जो एक खबरें हैं वो लगातार इस टीम के साथ जुड़ती रही हैं। दीपक चार उनमें से एक बड़ा नाम है जिनको 14 करोड़ में खरीदा गया, लेकिन अब सस्पेंस जो है वो पूरी तरीके से बरकरार चलता चला जा रहा है, क्योंकि दीपक चार की अवेलेबिलिटी को लेके जो क्वेश्चन मार्क था बीते कुछ 1.5 महीने से वो अभी भी बरकरार है। और दीपक चार की जगह कौन सा खिलाड़ी पहले मैच में नजर आ सकता है कोलकाता के खिलाफ, ये हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इन सबसे पहले स्पोर्ट्स टाइगर, जी हाँ स्पोर्ट्स टाइगर को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस करनी है, ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब आपको बताते हैं कि दीपक चाहर जो कि एक ऑलराउंडर के तौर पर जरूर चेन्नई के लिए खेलते हैं, तो शार्दुल ठाकुर भी नहीं है, तो भैया ये दो बड़े खिलाड़ी की जगह कौन लेने वाला है, कौन है वो खिलाड़ी जो कि दीपक चाहर की जगह धोनी के 11 में नजर आएगा। दरअसल इस खिलाड़ी का नाम जो है यश धूल की कप्तानी में जब भारतीय टीम ने जो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, अब हंगरीकर का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है और टीम इंडिया के लिए ऑलराउंडर की भूमिका निभा चुके इरफान पठान ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि जो एक रॉ टैलेंट आपको चाहिए भारत की तरफ से वो इस खिलाड़ी में नजर आता है, और एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पे हंगरीकर जो हैं वो जरूर साबित हो सकते हैं। हंगरीकर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास लीडर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी है। अगर और कोई कप्तान होता तो शायद इतना हाईली रेट नहीं करते वो हंगरीकर को, लेकिन हमने देखा है किस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी जो हैं एक खिलाड़ी को लेजेंड बना देते हैं, जो कि हमने अक्सर भारतीय क्रिकेट में देखा और चेन्नई सुपर किंग्स में भी एक मिसाल के तौर पे जो है महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप नजर आती है। पठान का मानना है कि हंगरीकर को अगर आप चाहर और शार्दुल ठाकुर की तरह इस्तेमाल करें तो क्यों नहीं आप दीपक चाहर की जगह इन्हें मौका दें, एक लॉन्ग रन के तौर पर जरूर एक बैकिंग जरूर वो देखना चाहेंगे धोनी की तरफ से हंगरीकर के लिए। और मिड अप्रैल तक खबरें आ रही हैं कि शायद दीपक चाहर फिट हो सकते हैं, अभी भी लगातार वो बैंगलोर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीए में ही हैं, और जो काशी विश्वनाथन है वो वेट कर रहे हैं, जो सीईओ हैं चेन्नई सुपर किंग्स के वो वेट कर रहे हैं कि कोई अपडेट आए, बड़ा डेवलपमेंट आए, तो उसके बाद जो है चाहर की फिटनेस को लेके चेन्नई फिलहाल तो चिंतित नजर आ रहा है। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि धोनी किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, क्या मोइन अली फिट होंगे, क्या मोइन अली की जगह कोई और ओवरसीज खिलाड़ी खेलेगा, कितनी बैकिंग शिवम दुबे को मिलेगी, ये सब देखना जो है ना बड़े दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आईपीएल है ना एक बार फिर से शुरू होने वाला है, 2008 वाली फीलिंग दे रहा है आईपीएल, 2022 में हम आ गए लेकिन सब कुछ नया नवेला सा लग रहा है। क्या लगता है आपको, क्या चेन्नई में अभी वो दम है, क्या मुंबई में वो आपको दम नजर आ रहा है, या फिर लखनऊ और गुजरात की कोई नई टीम इस साल खिताब ले जाए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।